YouTube family, here is Pahad and Aruna Chauhan. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? Hope करती हूँ सभी अच्छे होंगे. और गाइज आपको बता दूं, हाल ही में जुड़े हैं हमारी छोटी सी फैमिली में न्यू सब्सक्राइबर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे. सो गाइज आज का व्लॉग भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग. मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. और चलिए आज आपको ले चलती हूँ शिमला से रामपुर बुशहर, मेरे होम टाउन. सो ये देख लीजिए, ये व्यू है संध्याकालीन कह सकते हो, आपको इवनिंग का व्यू है जब रात हो रही थी और इस तरह का कुछ नजारा था शिमला का. लाइट्स ऑन हो चुकी थी और लुक एट द व्यू गाइस, अमेजिंग. और मुझे लगा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं. सो ये है अर्ली मॉर्निंग, हम निकल चुके थे रामपुर बुशहर की ओर. सो गाइज ये है IGMC का एरिया, यहाँ से हम लक्कड़ बाजार होते रामपुर जाने वाले हैं. और आपको बता दूं यहाँ से रामपुर बुशहर अराउंड 125 to 130 किलोमीटर है. और ये देख लीजिए, ये है ऑकलैंड टर्नल, सामने जो लिंक रोड साइड में निकल रहे हैं ये यहाँ के लोकल एरियाज को जाते हैं. सो गाइज हमें इस टर्नल से अंदर जाना है, इस टर्नल का नेम है ऑकलैंड टर्नल. सो हम यहाँ से NH 22 होते निकलेंगे और इस टनल से होते हुए हम ढली है, वहां से हम NH 22 के जो रास्ता है उससे जाएंगे रामपुर बुशहर. आपके साथ करूंगी सारी जर्नी अपनी शेयर. सो बने रहिए वीडियो के साथ. और यहाँ देख लीजिए गाइज, हम मेन शिमला के थोड़े आउटसाइड में आ चुके थे बट स्टिल यहाँ पर ट्रैफिक लगा है. और आजकल लॉकडाउन है, इतने टूरिस्ट भी नहीं है बट स्टिल यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि ये इस यहाँ शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है. और सामने जो आपको ग्रीन कलर की बड़ी सी बिल्डिंग, अभी हम हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक यहाँ पे शिमला में बहुत ज्यादा लगता है, यू नो दैट. और मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है और अभी हमें गाड़ी बंदी करनी पड़ी. सो चलिए ले चलती हूँ आपको आगे की तरफ, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है. चलिए. सो गाइज पीछे जो अभी आपको ग्रीन कलर की बड़ी सी बिल्डिंग्स दिखाई थी वो IGMC था यहाँ शिमला में. और गाइज हिमाचल का IGMC एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पर पूरे हिमाचल से जो है पेशेंट्स आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है. ये देख लीजिए, यहाँ से हम ऊपर वाले रोड से रामपुर जा रहे थे और जो साथ वाला रोड है नीचे के लिए ये यहाँ से मशोबरा के लिए जाता है. सो गाइज ये देख लीजिए यहाँ का व्यू. गाइज फाइनली वी आर इन हसन वैली. और हसन वैली जो है यहाँ की बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है गाइज. हेयर इज लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट कवर्ड विद अ देवदार, ओक एंड पाइन ट्री. गाइज वी आर हेयर फाइनली. आप देख लीजिए यहाँ पे है बहुत ही ज्यादा घना जंगल और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जानवर मिलते हैं. मैं आपको लिस्ट ऑफ एनिमल्स दिखाऊंगी कि बहुत सारे जानवर हैं और देख लीजिए कितना ज्यादा
बट द पीक ऑफ द माउंटेन इज फुली कवर्ड विद द फॉरेस्ट विद देवदार ट्रीज। सो गाइज चलिए आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ और इंजॉय कीजिए। ओके बाय। गाइस यहाँ पर साइड में कॉर्नर्स में स्टॉल्स भी लगे होते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा फास्ट फूड भी खा सकते हो, मैगी बर्गर जो भी खाना है। सो गाइस आपको यहाँ के बारे में स्पेशल बता दूँ, ये कुफरी और शिमला के बीच आने वाला एक ऐसा जंगल है और कहा जाता है एशिया का सेकेंड जो घना जंगल है उसमें से एक है। और गाइज यहाँ से हम निकल चुके थे नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और आपको बता दूँ जो ये घना जंगल था यहाँ को टेलीस्कोपिक पॉइंट भी कहा जाता है, बिकॉज गाइज यहाँ टेलीस्कोप रखा जाता है। आजकल लॉकडाउन है तो नहीं था और टूरिस्ट भी इतने ज्यादा नहीं थे, सो टेलीस्कोप से आराम से जो है पीपल जो फॉरेस्ट है वहां पर बहुत से जानवर जो होते हैं उनको देख सकते हैं। मैंने आपके साथ कुछ जो एनिमल्स थे उनको शेयर किया यहाँ पर गाइड्स। बर्ड्स लाइक हिमालयन ईगल एंड चिकोर एंड एनिमल्स में जैसे डियर लेपर्ड बियर ये सारे एनिमल्स विजिबल होते हैं। और सो गाइज इसके बाद हम निकल चुके थे कुफरी की तरफ और सामने जो आपको दिख रहा है ये एरिया यहाँ पर फन सिटी है, कुफरी फन सिटी। और गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, यहाँ काफी ज्यादा स्नोफॉल होता है। सो बेसिकली जो कुफरी है वो वहां के लिए एटलीस्ट इट इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शिमला। सो देख लीजिए ये जो एरिया है यहाँ पे स्कीइंग भी होती है और गाइज यहाँ फन सिटी भी है। सो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया जो है बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होगा उन टूरिस्ट के लिए। और यहाँ बहुत सारे जो है रिजॉर्ट्स है। और फाइनली इसके बाद हम निकल चुके थे, ये स्टेशन है ठियोग। ठियोग इज 32 किलोमीटर फार फ्रॉम द शिमला। सो गाइज आप देख लीजिए जो ऑल द यहाँ से जो सामने की तरफ रोड दिख रहा है ये रोड जाता है रोडों के लिए जो अलग बेल्ट पड़ती है। और बेसिकली गाइज हमें NH में ही चलना है जो कि है NH 22। सो मैं आपको उसी के थ्रू लेके जा रही हूँ बाय रोड रामपुर तक, देख लीजिए। और गाइज आपको बता दूँ शिमला से अपर जो है अपर शिमला वाला सारा जो एरिया है यहाँ ये बेसिकली एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ का जो एप्पल है वो बहुत दूर दूर तक जाता है और यहाँ पर रोज का जो व्यू है गाइज आप देख सकते हो माउंटेन्स को स्मॉल जो माउंटेन्स है उनके पीसेस को कट करके यहाँ का रोड्स जो है रोड निकाला गया और रोड बहुत अच्छा है गाइज। और आपको बता दूं यहाँ पर आप जब अपर शिमला आओगे अपर हिमाचल आओगे तो आपको बहुत घने घने जंगल मिलेंगे और जंगलों से होते हुए यहाँ के रास्ते मिलेंगे जो कि देखने में खुद में ही बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। सो गाइज अब आपको बता दूं जो नेक्स्ट मेन स्टेशन है वो है यहाँ से नारकंडा। नारकंडा इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शिमला और एटलीस्ट आपको 2 आवर्स लग जाते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ से शिमला से जो एप्पल है वो दिल्ली मुंबई बहुत सारे प्लेसेस पे जाता है। और यहाँ देख लीजिए कितना सुंदर व्यू है, बीच में रोड है और सामने जो है फॉरेस्ट है। और ये आपको साथ ही साथ दिख रहा होगा यहाँ पर है ट्रक में है एप्पल के बॉक्सेस। और गाइज अभी जो अक्टूबर का सीजन है इसमें जो अपर हिमाचल में अपर एरियाज के जैसे अपर किन्नौर यहाँ के जो सीजन है एप्पल सीजन है वो अभी कंटिन्यू है। सो यहाँ पर बहुत सारी लोकल मार्केट है नारकंडा में तो यहाँ सेल करने के लिए आते हैं। और यहाँ देख लीजिए आप बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स है जिसमें एप्पल की जो पेटियां हैं एप्पल के बॉक्सेस है। सो गाइज इसके बाद मैं आपको बता दूं मेन स्टेशन आता है कुमारसेन विच इज 84 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शिमला। एंड जो ये अभी मेन स्टेशन दिखा रही हूँ ये है नारकंडा। और गाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है और विंटर्स में बहुत टाइम जो ये एरिया ये क्लोज रहता है ड्यू टू रोड ब्लॉक होता है स्नोफॉल से। और आपको बता दूं गाइज यहाँ पर हमेशा आपको विंटर्स में
स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा, बाकी कहीं मिले या ना मिले। तो अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आपको नारकंडा जरूर आना चाहिए। और ये जो एरिया है ये टूरिस्ट एरिया ही कह सकते हो आप, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लोकेशन है जहां पर आप बहुत सारा एंजॉय करोगे। इसके बाद मेन स्टेशन था नारकंडा के बाद कुमारसेन जो कि 84 किलोमीटर है। उसके बाद हम जाते हैं वाया किंगल होते रामपुर बुशहर। सो गाइज कैसी लग रही है आपको जर्नी, इंजॉय किया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। सो देख लीजिए कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ का। और गाइज आपको ये बता दूं कि जो हमारा रामपुर बुशहर है वो बेसिकली आपको पहले भी बताया है एक रियासत हुआ करती थी हिस्ट्री में। और ये जो लुक है ये है रामपुर बस स्टैंड। सो गाइज यहाँ से मैंने बस ले ली थी और यहाँ देख लीजिए जो ये मेन बस स्टैंड है यहाँ ऑटो स्टैंड भी है साथ ही साथ। और सामने आपको बुद्धा मोनेस्ट्री दिख रही होगी गाइज, बुद्धा मोनेस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है यहाँ का। कभी मैं आपके साथ अलग व्लॉग बनाऊंगी और क्या क्या है यहाँ पर जरूर शेयर करूंगी। और साथ ही साथ इसके जो NH22 इसी के साथ में लगता है यहाँ पर लिंक रोड, ये जाता है मेरे गांव की तरफ। सो कभी जरूर लेके जाऊंगी आपको अपने गांव भी रोड में, रोड के थ्रू। सो गाइज कैसा लगा आपको मेरा शिमला टू रामपुर का व्लॉग, प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे ही पसंद करते रहिए मेरी वीडियोस को। मिलती हूँ नए व्लॉग में, इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक आपको क्या रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। ओके देन, टेक केयर, गुड बाय।